बरसात का मौसम आते ही डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां भी दस्तक दे देती हैं, जिसको लेकर शासन और प्रशासन द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। इसी के मद्देनज़र एमसीडी द्वारा इन बीमारियों को लेकर शुरू किए गए जागरूकता अभियान का मंगलवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रोहिणी सेक्टर 7 स्थित एमसीडी स्कूल में किया गया, जिसमें एमसीडी की एडिशनल कमिश्नर हरलीन कौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। इस जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन की भी भागीदारी देखने को मिली। डेंगू मलेरिया जैसी महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से स्कूली छात्रों द्वारा कई प्रस्तुतियां भी पेश की गई। स्कूली छात्रों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों ने सभागार में मौजूद लोगों का खूब मनोरंजन भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरलीन कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सके। इस मौके पर स्थानीय लोगों की सहभागिता को देखकर भी मुख्य अतिथि ने सभी की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने स्कूली छात्रों की सहभागिता को देखकर भी उन्हें बधाई का पात्र बताया। हम यहाँ एमसी फ्रांसिस स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी में आए हैं, जहाँ पर डीसी रोहिणी जोन ने यहाँ पर अपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक पूरा महीना यहाँ पर जो वेक्टरबोर्न डिजीजेस हैं उनके जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया था। तरह तरह के कार्यक्रम किए गए थे, अनेकों स्कूली बच्चों को कला के माध्यम से उनके कुछ कॉम्पिटिशन करवाए गए, उन्हें जानकारियाँ दी गई। इसके अलावा RWS के साथ में मिलकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, आज उन सभी एक्टिविटीज़ का क्लोजिंग सेरेमनी आज हमने यहाँ पर किया है। बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर जो समुदाय की तरफ से पार्टिसिपेशन है, RWS का जो सहयोग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हमें इंकरेज कर रहा है। MCD की तरफ से हमारे जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत मेहनत की है। इनकी ये सारी मिली जुली एफर्ट से मुझे बहुत उम्मीद है कि इस साल डेंगू के केसेस बहुत कम। ये कार्यक्रम हमने सारे जितने 26 वार्ड हैं सभी में पदाधिकारी जितने RWA के हैं, NGO हैं, सबके साथ मिलकर के किया है हमने। और आज ये महीने का एंड था तो क्लोजिंग सेरेमनी बनाई है, तो उसमें हमने एडिशनल कमिश्नर सिविक सेंटर से भी बुलाया था, DG साहब आए हैं, हमारे MHO साहब आए हैं, सभी ने मिलकर के प्रण लिया है कि आगे भी जब तक ये सीजन रहता है, नवंबर तक रहता है हमारा, ये एक दो महीने और कार्य कंटिन्यू रखेंगे इसमें, तो RWA का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें हमारे। इसमें हमने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है, जैसे बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स में जाकर के मैसेज देंगे कि सोर्स रिडक्शन करें, पानी इकट्ठा ना होने दें, इकट्ठा हो जाए और जो इसको निकाल नहीं सकते तो उसको ढक करके रखें, या कोई कबाड़ छत पर पड़ा हुआ है तो उसको बेच दें या ख़त्म कर दें या ढक के रखें, ताकि इससे पानी इकट्ठा ना हो पाए और मच्छर पैदा ना हो पाए। गौरतलब है कि हर बार बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया जैसी महामारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है, इसको लेकर शासन और प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में MCD द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के मकसद से एक विशेष अभियान छेड़कर जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसमें अब तमाम अधिकारी भी पुरजोर तरीके से जुट गए हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।